नंदिनी रोड पावर हाउस स्थित देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों को हटाने कल्याण सेवा जन जागृति संगठन की बैठक सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील की अध्यक्षता में कैंप 2 में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में शराब दुकान हटाने का संकल्प लिया। पावर हाउस नंदिनी रोड से शराब दुकान हटाने सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील की अध्यक्षता में वार्ड 33, 34, 37, 38 एवं 39 के रहवासियों की बैठक कैंप 2 में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य मार्ग में स्थित शराब दुकानों के संचालन से हो रही परेशानियों पर चर्चा की गई। शराब पीकर आए दिन लोगों द्वारा सड़क में गाली गलौज करने आते जाते लोगों से विवाद करने पर चिंता जाहिर की गई एवं शराब दुकानों को हटाने वार्ड के लोगों को जागरूक करने निर्णय लिया गया। साथ ही दुकानों के नहीं हटने से आंदोलन करने की भी बातें कही गईं। भट्टी से हम लोगों को बहुत परेशानी है। यहाँ हमने पढ़ा था पेपर में और सुनने में भी आया था कि भट्टी यहाँ से हट रहा है, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा है कि हटेगा, क्योंकि इससे बहुत ही फायदा है, नेता लोगों का फायदा है, इससे क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन बड़े बड़े लोग ही इसमें शामिल है, तो ये कहाँ से हटेगा। और इसी विषय में हमने रात को बैठक में किए हुए थे। अरे भैया, बहुत परेशानी है, रास्ता चलना मुश्किल है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वहाँ से हम पैदल निकल नहीं सकते हैं। कब से इस बात को कहा जा रहा है पेपर द्वारा या कोई भी नेता आते हैं वो भी बोलते हैं अब इस बार भट्टी हट जाएगा, 2 महीने में हट जाएगा, 6 महीने में हट जाएगा, बस कहने सुनने तक रह गए हैं। बस नेता आते हैं, बोल के चले जाते हैं, भट्टी बंद ही नहीं हो रहा है। नेता लोग का पेट बंद हो जाएगा, पेट भरना बंद हो जाएगा, कोई भट्टी पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, ले जाए ना भाई, जहाँ ले जाना। बैठक की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने दी। भिलाई पावर हाउस नंदी रोड के किनारे शासन द्वारा संचालित देसी एवं अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने के विषय को लेकर आज कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के तत्वाधान में प्रभावित वार्ड के महिलाओं, जिसमें कि वार्ड क्रमांक 38, वार्ड क्रमांक 39, वार्ड क्रमांक 37 और वार्ड क्रमांक 33 एवं 34 की स्थानीय लोगों की एक बैठक संपन्न हुआ। बैठक में जहां शराब दुकान को हटाने को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए इसके खिलाफ में जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, वहीं MIC नगर निगम के MIC सदस्यों के द्वारा 4 जून को जो प्रस्ताव पारित देसी शराब दुकान को हटाने को लेकर किया गया था, परंतु अभी तक उसे हटाया नहीं गया है, जिसके संबंध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। बहरहाल बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।